पाली राजस्थान में पिछले कुछ दिनों में गायों में फैली गंभीर बीमारी LSD एक संक्रामक गाउदार चर्मरोग वायरस होने के कारण गायों मवेशियों का शिकार बना रही हैं। जी हां, आपको बता दें जिनसे उनकी मृत्यु भी हो रही है। इसमें गाय पालक काफी परेशान और चिंतित हैं। यह बहुत ही घातक बीमारी है, ऐसा लोगों का कहना है। आपको बता दें सर्वाधिक केस जालौर जिले में है। जालौर जिला पानी के समीपवर्ती जिला, इस कारण पाली जिले में भी कुछ दिनों से केस बढ़ते जा रहे हैं। ऐसी भयानक स्थिति में भी पाली जिला मुख्यालय पर 65% व 70% ग्रामीण क्षेत्र में विभाग के पद रिक्त पड़े हैं। साथ ही विभाग का जिला स्तर पर भवन भी पूर्णतया जर्जर अवस्था में दिखाई दे रहा है। सर्वप्रथम पशुधन टीकाकरण हेतु वैक्सीन बाह्य पर जीवी नाशक व अन्य आवश्यक दवाएं, हाइपोक्लोराइड का आवश्यक रूप से छिड़काव किए जाने हेतु सोडियम हाइपोक्लोराइड सभी वैक्सीन उपलब्ध कराने की मांग है। इस मौके पर ओम महाराज, गोपुत्र धनराज, प्रजापत, सोहन सिंह राव, महावीर जैन, चेतन सेन, प्रिंस मेवाड़ा, मनोज सेन, नीलेश दवे व कई गौ भक्त मौजूद थे। देखें जितेश चौहान की रिपोर्ट। किया गया और गाय को पिछले से यहाँ पर लेके आने का कोशिश किया जा रहा है, क्योंकि जो ये गाय माता की जो बीमारी है ना, बहुत भयंकर जो वायरस फैल चुका है। पहले मनुष्य का जो कोरोना हुआ था वायरस, अभी ये गौ माता का हो गया। तो सरकार को याद दिलाने के लिए हम यहाँ लाए हैं कि गौ माता को जल्द बचाना बहुत ज़रूरी है। अगर इस बीमारी से गौ माता को नहीं बचाया तो हो सकेगा कि भी इंसान को भी ये बीमारी हो सकती है। इसीलिए हम लोग यहाँ आए हैं। सब वो जो रक्षक हैं, हम वो भक्त हैं। और मेरा नाम पिताजीश्वर परम ऋषि ओम जी महाराज, गादीपति बोधरपुर, पाली बालाजी, पाली आश्रम राजस्थान, राष्ट्रीय संरक्षक कामधेनु सेना। हमारे साथ में धनजी प्रजापत है, गोपुत्र सेना से जिला अध्यक्ष है, महावीर जी है और सत्यनारायण सिंह जी राजपुरोहित है। समस्त गो भक्त हम यहाँ आए हैं और सरकार से हम निवेदन करते हैं कि गौ माता की बसाने की कोशिश करें और जल्दी से जल्दी